साथियों हम फौजी इस देश की धड़कन है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कदरती सहे चाहे गर्दन कटे। तंत्र के उजियाले से हम और प्रकाश की ओर इस देश को लाए और हमारे बहुत ही बड़े योद्धाओं ने नेताओं ने इस देश को आज़ादी दिलाई अपनी आहुति दी और हमने अपनी आंखों से भी देखा दोस्त कई भारत उनकी जो
चिन्ह है उनको जाकर देखा, पोर्ट ब्लेयर में कहाँ कहाँ कैसी सजाएं दी गई, काला पानी वगैरह, तो उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं एकता और अखंडता के साथ, अपने देश को और भी अच्छा सुंदर और सुदृढ़ बनाएं। धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और जैसा मैडम ने कहा, अगर हम लोग यूनाइट होकर काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारा एक अलग नाम होता है, ESI की अलग पहचान होती है। आप सभी लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमने काफ़ी नाम अर्जित भी किया है और आशा है अगर हम इसी तरह मिलकर काम करते रहे तो आने वाले टाइम में हम शायद जयपुर में एक अपनी ऐसी खास पहचान बना पाएंगे अपनी सर्विसेज के लिए, जो अपने आप में एक बहुत अद्वितीय होगी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा जन्मदिन भी है, आप सबकी शुभकामनाओं के लिए मैं आपको धन्यवाद। डॉक्टर तोमर साहब, परमादरणीय चिकित्सा अधीक्षिका महोदया, उपस्थित ऑफिसर्स एवं इस मॉडल हॉस्पिटल में कार्यरत सभी कर्मचारी साथियों, सर्वप्रथम आज भारत देश 70वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहा है और हमें गर्व है कि हम भी इस ESIC मॉडल हॉस्पिटल में जितने भी इस परिवार के सदस्य हैं यहाँ एकत्रित हैं और इस पावन पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़े उत्साह के साथ और जोश के साथ। साथियों, मैं इस पावन पर्व पर आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आज हमारी चिकित्सा अधीक्षिका महोदया द्वारा जो बीमित रोगी भर्ती है उनके लिए आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में उनको स्पेशल डाइट में खीर बनवाई गई है और उनके हाथों द्वारा नवनिर्मित भवन में रसोई जो तैयार हुई है वहाँ पर उसका उद्घाटन खीर के साथ ही हुआ है। साथियों, तो लगता है कि शायद ऐसी मिठास बनी रहेगी। तो बीमित रोगी जो यहाँ पर उपस्थित है वो MS मैडम के द्वारा आज खीर प्राप्त करेंगे, ये मेरी सूचना है आप सभी के लिए, बीमित भर्ती मरीजों के लिए। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। प्रशासन शाखा पैरामेडिकल एवं नर्सिंग संवर्ग, साथ ही सारे कर्मचारियों को आज़ादी की 70वीं वर्षगांठ पर हमारी ओर से तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। साथ ही आज हमारे पूर्वजों के कारण, उनके दृढ़ संकल्प वे दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, वे हमारी MS साहिबा के दृढ़ शक्ति के कारण, इच्छा के कारण आज हम इस नए भवन में इस स्वतंत्रता दिवस का झंडा रोहण किया है। मां चुकी सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ।